हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे पर लाइव खूबसूरत है पॉडकास्ट की विशेष पेशकश सुनिए, जहां पर लेखक, विचारक, कवि टीचर्स डे पर अपने संस्मरण, अपने टीचर के साथ एक ऐसी याद शेयर कर रहे हैं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है, जिसे वो आज भी याद करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, मैं हूं आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रचना चौबे है, मैं फुल टाइम होममेकर हूं और पार्ट टाइम डिज़ाइनर, बुटीक ओनर, योगा थेरेपिस्ट और अभी सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं। लेखन का शौक है और कई बार अमित जी ने मेरी कहानियों को अपनी आवाज़ देकर नवाजा है। इस बार टीचर्स डे के अवसर पर ना एक संस्मरण साझा करना चाह रही थी और अमित जी के ही आग्रह पर मैं स्वयं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पापा BHL में जॉब करते थे, तो हम BHL के स्कूल में ही पढ़े हुए हैं, MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम। मैं पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छी थी और साथ ही अन्य दूसरी गतिविधियों जैसे डिबेट, स्पीच, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, फैंसी ड्रेस और अन्य जो भी प्रतिस्पर्धाएं होती रहती थी, उन सब में बहुत सक्रिय रहती थी और हर बार एनुअल फंक्शन में बहुत सारे गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ ही घर आती थी। ये किस्सा जो मैं बताना चाह रही हूँ, ये तब का है जब मैं 8th class में थी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने के बाद इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होने वाले थे और हमारे स्कूल से इंग्लिश डिबेट के लिए मेरा भी चयन हुआ था। मैं बहुत खुश थी, पहली बार किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। मैंने अपनी स्पीच बहुत अच्छे से तैयार करी थी और कॉम्पिटिशन वाले दिन प्रेजेंट भी बहुत ही अच्छे से करी थी। लेकिन जब क्वेश्चन आयर राउंड शुरू हुआ तो सारे क्रॉस क्वेश्चंस इंग्लिश में किए जा रहे थे, जो कि ऑब्वियस ही थे। वो मुझे समझ में भी अच्छे से आ रहे थे, सारे सवालों के उत्तर भी मेरे पास थे, लेकिन मेरा अंग्रेजी का शब्दकोश खाली था। मतलब सारे सवालों के सही जवाब जानते हुए भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं सोच ही हिंदी में रही थी और बचपन से शायद प्रैक्टिस भी यही थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़रूर था लेकिन इंग्लिश के चैप्टर्स भी हमें हिंदी में एक्सप्लेन किए जाते थे, तो वैसे ही समझ में भी आते थे। तो उस वक्त मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी। बहरहाल हुआ, क्वेश्चन आयर राउंड ख़त्म और ये जाहिर सी बात है कि मैं जीत नहीं पाई कॉम्पिटिशन और पहली बार किसी कॉम्पिटिशन से मैं बिना कोई प्राइज़ दिए वापस आई थी। इस बात का मुझे दुख था, लेकिन उससे ज़्यादा दुख कह लूँ या आश्चर्य कह लूँ इस बात का था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी मैं उन सवालों से डील नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों, पर मेरे अंदर एक हीन भावना जैसी आ गई थी और शायद दिमाग में कहीं ये एक बात बैठ गई कि इंग्लिश में तो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे ही एक्सपर्ट होते हैं, हम सिर्फ कहने भर को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। खैर, फाइनल एग्ज़ाम्स होने के बाद मैंने पूरी कोशिश की अपने आसपास कि कोई मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा सके, लेकिन उस वक्त ना तो बहुत ज़्यादा साधन थे, संसाधन कुछ भी नहीं थे। तो जब स्वयं अपनी तरफ से मैं जितना प्रयास कर सकती थी करती रहती थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा कुछ तो बदलने वाला है नहीं। तो यूं ही चलता रहा, मैं 9th में आ गई। 9th में हमारी जो इंग्लिश टीचर आई स्कूल में, उन्होंने नया ही ज्वाइन किया था, प्रीति मैडम, उनका व्यक्तित्व, उनका पूरा ऑरा आप जो भी बोल लीजिए, बहुत ही कैरिज्मेटिक था। वो हमारी इंग्लिश टीचर थी और पहले ऐसी टीचर थी जो अपना पूरा पीरियड इंग्लिश में ही लेती थी, इंग्लिश में एक्सप्लेन करती थी, इंग्लिश में कम्युनिकेट करती थी। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं थे इंग्लिश में, तो हमें समझने में दिक्कत आती थी, लेकिन वो बार बार समझाती थी, नाराज़ नहीं होती थी कभी भी और समझाने की कोशिश करती रहती थी। बहुत ज़रूरी हो तो ही वो हिंदी शब्दों का प्रयोग करती थी, अन्यथा वो अंग्रेज़ी में ही सरलता से हमें समझाने की कोशिश किया करती थी। चैप्टर्स धीरे धीरे समझ में भी आने लगे थे हमें।
जैसे कि मैंने बताया, उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था और सबके साथ साथ मैं भी बहुत प्रभावित थी उनके कॉन्फिडेंस से और उनके प्रेजेंटेशन से। ऐसे ही एक बार मैं किसी काम से, शायद कॉपीज़ वगैरह रखने, मुझे ठीक से याद नहीं है, स्टाफ रूम गई। वहाँ प्रीति मैडम बैठी हुई थी, तो मैंने उन्हें विश किया और नॉर्मली ऐसी बात हुई। और मेरे मन में जो बहुत दिन से उमड़ घुमड़ रहा था सवाल, मैंने उनसे पूछा, मैडम आपकी स्कूलिंग कहाँ से करी है आपने? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बचपन से 9th स्टैंडर्ड तक अपने गांव के हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, और उसके बाद फिर हम कलकत्ता आ गए थे। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, और शायद मैडम ने मेरे चेहरे के भावों को पढ़ भी लिया था, तो मुस्कराने लगी। फिर उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, क्या हो गया? तो मैंने कहा, मैडम आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप कभी भी हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे। तो मैडम ने मुझे बताया कि नहीं, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाँव में तो हिंदी मीडियम स्कूल ही थे और 9th के बाद स्कूल थे नहीं गाँव में, और मैं पढ़ना चाहती थी। तो हम कलकत्ता आ गए, और मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि कलकत्ता में या तो बांग्ला मीडियम स्कूल्स थे ज़्यादा उस वक्त, या वही कॉन्वेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे। तो मैंने कॉन्वेंट्स में एडमिशन लिया, और वहाँ मेरा सफ़र बहुत कठिन था। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और तब मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। और मेरे मन में जो वो हल्का सा कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आकर बैठ गया था, वो एकदम से निकल गया। फिर मैंने उन्हें बताया अपने कंपटीशन के बारे में, और उसके बाद जो मेरे मन में चल रहा था वो सारी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस करी। तो उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, मुश्किल या नामुमकिन तो कुछ होता ही नहीं है, आप जब भी जो काम शुरू करना चाहें कर सकते हैं। और बस फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम आप मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाएंगी? और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जब भी फ्री पीरियड होता था या लंच में, हम लोगों ने परमानेंट, मैडम ने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए कि शायद 25 मिनट के आसपास का हमारा लंच हुआ करता होगा, और 10 मिनट पहले वो भी अपना टिफ़िन ख़त्म कर लेती थी और मैं भी फटाफट लंच ख़त्म करके स्टाफ रूम चली जाया करती थी, और वो मुझे प्रैक्टिस करवाती थी। तो इस तरह आज मैं जहाँ भी पहुँची हूँ, मतलब मेरे जीवन में, सफलताओं में, व्यक्तित्व में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा पूरा माइंडसेट चेंज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस टीचर्स डे के मौके पर मैं उनको हृदय से आभार देना चाहूँगी, और मैडम से बोलना चाहूँगी कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और यूं ही दूसरे बच्चों के मार्गदर्शक भी बनती रहें। थैंक यू सो मच प्रीति मैडम, हैप्पी टीचर्स डे। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है। लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।